अभी मैं कूलेंट लेवल चेक कर रहा हूँ तो कूलेंट लेवल तो नॉर्मल लग रही है। बहुत दिनों के बाद ये टाइमिंग तो मॉर्निंग हुई है, मॉर्निंग के हुआ है 7:30। गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है। अर्ली मॉर्निंग आज एक मैं ड्रीम देख रहा था और ड्रीम जैसे ख़त्म होने आया मेरी आँख खुली, मैं श्याम अंकल को मिला हूँ, श्याम अंकल के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, गुरुजी के साथ अर्ली मॉर्निंग सपना गिरा, इसका मतलब मैं जल्द से जल्द गुरुजी को मिलने वाला हूँ और ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। कितने साल का है? 5 महीना। अच्छा, हे हे, क्या नाम है? बेली। उसे ग्रास पे अच्छा लग रहा है। हाँ। बैठ गया। नॉटी बॉय, नॉटी बॉय, कौन आया? देखो कौन आया तुमसे मिलने। हाँ बेली, कौन आया? खाने का नहीं, खाने का नहीं, ग्लास नहीं खाने का, ग्लास नहीं खाने का। सो जा, सो जा। मज़ा आ रहा है उसको। मैंने प्लान तो किया था मैं मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करूँ, लेकिन आज मेरा पहला दिन है तो आज मैं 8:30 को स्टार्ट कर रहा हूँ। इवनिंग को आदत थी 4:30-5 o'clock तक। कोई बात नहीं, धूप है, लग नहीं रही लेकिन इतनी। कुछ दिनों पहले मैंने आईकिया पे कॉफ़ी टेबल लिखा था, कॉफ़ी टेबल ऑर्डर करने भी गया, लेकिन कॉफ़ी टेबल के लिए वो लोग की रिक्वायरमेंट है आप एक सिलेक्टेड अमाउंट से ही ऑर्डर करवा सकते हो। कॉफ़ी टेबल की कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ थी, वो लोग बोल रहे हैं कि 3000 या 5000 के ऊपर का कुछ आप ऑर्डर कर सकते हो। इतना ऑर्डर करना, अभी मुझे चीज़ें ढूंढनी पड़ रही कौन सी चीज़ मैं ऑर्डर करूँ, बिकॉज वो कॉफ़ी टेबल मुझे पसंद आया था, सिंपल एंड स्वीट वाला। और वैसे भी मैंने आपसे शेयर किया था जब मैं आईकिया गया था तब भी मुझे आईकिया की चीज़ें पसंद आई थी। थोड़ी एक्सपेंसिव है लेकिन अगर आप डिज़ाइन वाइज कंपेयर करने जाओ, अगर आप एक अलग यूटिलिटी वाइज कंपेयर करने जाओ तो वो बेस्ट है। आज मम्मी इतना टाइम काम कर रही थी, उसका कुछ ऑनलाइन काम चालू था और वो टाइम पे मैंने मम्मी को बहुत हेल्प की, यहाँ पे आके सारी चीज़ें सेट की, लेकिन वो मैंने कैमरा में नहीं दिखाई। अच्छा, वो तो सही है। हाँ, क्यों नहीं दिखाई, उसके पीछे भी रीज़न मम्मी ही है। हाँ। मम्मी बोलती है तू इतू सा काम कर दो और इतना काम दिखाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैंने आज वो कैमरा, मैंने अपना 2 मिनट का कीमती कंटेंट मिस किया। ये हो गया ना, आगे तो कितना मैंने किया वो भी बताना। आने वाली बात ये है कि ऐसे नहीं कि हर चीज में कैमरा के लिए, कंटेंट के लिए, अपने वीडियो के लिए करता हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपने तो कुछ तो बोल रहा था, मैं बोल रहा था ये मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करना अच्छा तो लगता है, लेकिन ये अपना जो पुराना टाइम था 4:30-4 बजे वो वाला अच्छा लग रहा है। दो बार एक्सरसाइज करके क्या होना है, मुझे एक ही टाइम में ऐसा नहीं होना है। आराम आराम से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आदत लगनी चाहिए बॉडी को। लेकिन सुबह जल्दी उठने की आदत तो लग जाएगी ना। हाँ वो है, प्रॉब्लम ये हुआ है, उठता है जल्दी, उठता है, तुझे आदत है। हाँ लेकिन आलस, मुझे भी पता है मैं आलसी हुआ। अब तेरा यूज करेंगे हम लोग। एक बंदे ने कमेंट किया था कि तू कितना लल्लू बनता है मम्मी के सामने, मम्मी तेरी केस लेते रहती है। मुझे अच्छा लगता है मम्मी जब मेरी केस लेती है तो, और मैं जानबूझ के कुछ चीज़ें मम्मी के सामने क्रॉस नहीं करता। मम्मी को इतनी चीज़ें पता होती है, ये आपको लगता है कि वो ये ऐसी बता रही है, नहीं, उसे सारी चीज़ें पता होती है, वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना। अगर मैं गलती से भी क्रॉस करूँ वो बाहर किधर से निकलेगा वो मुझे पता है, और कब निकलेगा वो भी मुझे पता है। चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, आपके बॉडी का फैट कितना भी बढ़े, जो आलस आपके बॉडी में आता है वो बहुत गलत चीज़ होती है। अभी मेरे बॉडी का फैट बढ़ा है तो जो अलग लेवल का आलस है, कोई भी काम मैं करने का सोच रहा हूँ ना, वो काम है ना स्लो मोशन में होता है, पहले फास्ट फॉरवर्ड में होता था, अभी स्लो मोशन में होता है। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये फैट को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, ताकि ये अपने काम सारे रूटीन हो जाए, अपने फास्ट फॉरवर्ड में फटाफट काम बने। गिर जाता अभी है। स्वादिष्ट घरेलू मॉम के हाथ का फूड। हर चीज़ पे आप गुस्सा होते हो, यही चीज़ मुझे आपकी पसंद है। आज मम्मी का फास्ट होता है, मंडे है, मंडे को मम्मी का फास्ट होता है, इसे मैं कल से बोल रहा हूँ। फास्ट के लिए मुझे बता तुझे क्या चाहिए, मैं ला के देता हूँ। घर पे थोड़ा सा सामान था वो भी ख़त्म हुआ। अभी ये उम्र में क्या करे ये मम्मी, मीठा नहीं तीखा नहीं खाती, तीखा और नमक वाला मम्मी नहीं खाती। मुझे एक बात बताओ, कौन से भगवान ने बोला है मेरे लिए आप खाली पेट रहो,
थोड़ा एक उम्र तक ठीक होता है कि आप फास्ट करते हो। जितनी भी मम्मी लोग फास्ट करते हैं उनको एक छोटा सा निवेदन है, आप अपनी सेहत को तकलीफ देके कोई भी भगवान हैप्पी नहीं होने वाला। खा के पी के मस्त आराम से रहो, कुछ नहीं भगवान आपको बोलने वाला नहीं है। गुस्से से मत देखो मम्मी, मैं आपके भले के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। इतना आपने आज तक किया, नहीं आज तक आपने किया, आज तक आपने किया, मैंने कुछ नहीं बोला। अभी आपकी उम्र होने लगी, धीरे धीरे आप बुढ़ी होने लगी। बुढ़ी? अच्छा तो बुढ़ी होने लगी हूँ मैं। वो चीज पे आप कॉन्सेंट्रेट मत करो, मैं एक जनरल बोल रहा हूँ कि आपको आपके सेहत का ख्याल रखना चाहिए, ये फास्ट वगैरह मत करो। थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला हुआ ये, मम्मी लोग सुनती नहीं है। उसके बाद अगर कुछ तकलीफ हुआ, वीकनेस लगा, तो बाद में मुझे बोलेंगे हाँ थोड़ा वीकनेस आ रहा है। और हर मंडे मम्मी को थोड़ा सा वीकनेस रहता है। हाँ ये बात मैं 10 बार बोल चुका हूँ लेकिन मम्मी नहीं समझेगी। लास्ट टाइम जब मैं बाइक लेके एरिया में घूम रहा था, वो टाइम पे चैन थोड़ा आवाज़ कर रही थी। ल्यूब की ज़रूरत है चैन को, ल्यूब करने का डिसाइड किया, लेकिन उससे पहले वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद चैन वैसे भी क्लीन हो जाती है। चैन ल्यूब के ऊपर परेश भाई ने मुझे एक चीज़ बताई थी। पहले मुझे आदत थी मैं सेपरेट चैन क्लीन करते बैठता था। परेश भाई ने मुझे बोला जब तू बाइक वॉशिंग के लिए डालता है तो पूरी बाइक शैम्पू वॉश कर, और जो मेन चैन है वो चैन को हम लोग को डीजल वॉश करना है, और वो चीज़ से चैन एक्चुअल में क्लीन होती है। उसके बाद यहाँ पर आके हम लोग उसे ल्यूब कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा फॉलो करना, जब आप बाइक की चैन ल्यूब करते हो तो ल्यूब करने के बाद कम से कम उसे 15 मिनट से आधा घंटा एक जगह पे खड़ा रखो, क्योंकि वो ल्यूब बाइक के चैन पे सेट भी होना चाहिए। जब हम लोग ट्रैवल भी करते हैं तो ट्रैवल करते समय भी हमारी ये आदत होती है। हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद पहला चैन ल्यूब होता है। चैन ल्यूब होने के बाद हम लोग 15-20 मिनट सामान लोड करने में जाता है। सब सेटअप होकर निकलने में कम से कम आधा घंटा निकलता है। तो ल्यूब और निकलना, इसके बीच में आधे घंटे का गैप होता है, 15 मिनट्स मिनिमम चाहिए, आधा घंटा रहेगा तो वेल एंड गुड। एक ही चीज़ है, जो चैन ल्यूब करते हैं वो चैन पे सेट होना चाहिए तो आपको उसका इफेक्ट नज़र आएगा। इसे मैं वॉशिंग के लिए लेके तो जा रहा हूँ लेकिन मुझे ये पता नहीं वॉशिंग सेंटर चालू रहेगा या नहीं। वॉशिंग करने तो लेके जा रहा हूँ लेकिन एक चीज़ भूल गया, मुझे टैंक बैग का बेस निकालना पड़ेगा। जो टैंक बैग मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो टैंक बैग बेस्ट है। इसका एक ही है ड्रॉबैक है, जब भी मैं इसे वॉशिंग के लिए लेके जाऊँ तो ये निकालो फिर लगाओ। अभी हमें मैग्नेटिक टैंक बैग यूज़ नहीं करना है, हमारे टैंक पे स्क्रैचेस नहीं चाहिए, तो इतनी तो जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही, यहाँ पे आगे एक दो कूलेंट की बूंदें गिरी है, और ये पाइप देखता हूँ पहले। पाइप के अभी भी कूलेंट है लेकिन ड्राई हुआ है। लेवल देखना पड़ेगा इसके कूलेंट का। अभी मैं कूलेंट लेवल चेक कर रहा हूँ तो कूलेंट लेवल तो नॉर्मल लग रही है। लाइट मार के दिखाता हूँ आपको, ये देखो कूलेंट लेवल तो नॉर्मल लग रही है। एक बार मेरे साथ हुआ है, मेरा कूलेंट लेवल ड्रॉप हुआ था, लेकिन वो टाइम पे मेरा जो फ़ैन है वो फ़ैन का कनेक्शन थोड़ा लूज़ हुआ था। प्रेशर वॉश की वजह से वो कनेक्शन थोड़ा लूज़ हुआ था, इसलिए फ़ैन बंद था। तो फ़ैन बंद था तो कूलेंट ओवरहीट हुआ और कूलेंट लेवल ड्रॉप हुआ। तो अभी तो वैसा कोई चक्कर नहीं है, मेरा फ़ैन भी चालू है। एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा अंदर से, देखो कितनी ख़राब हुई है। ये तो मैं क्लोथ से क्लीन करूँगा। यहाँ पे कभी भी अंदर सीट के नीचे अगर आपकी बाइक ख़राब है तो कभी भी यहाँ पे प्रेशर वॉश मत करना। यहाँ पे आप आराम से गीला कपड़ा ले सकते हो या हल्का भी कपड़ा लोगे और क्लीन करोगे तो वो आपके बाइक के लिए बेस्ट रहेगा। ये लोग यहाँ पे गेम खेल रहे, एक दूसरे को पकड़ रहे। वो बंदा आउट हुआ तो नीचे सो गया। खेलते हैं 5 मिनट, 10 मिनट झगड़ा करते फिर 5 मिनट खेलते हैं। ये लोग और कुछ तो हुआ। जहाँ पे बाइक वॉश करने के लिए गया था वो सेंटर बंद था। आजू बाजू पूछा तो वो लोग बोल रहे 2-3 दिनों से वो बंद है। तो अभी मैं उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं सुशांत के पास ही जाऊँगा। सुशांत के पास मैं कल परसों तो नहीं जा सकता, 1-2 दिन के बाद जाऊँगा, देखता हूँ कैसे मैनेज होता है। अभी मम्मी का कुछ काम है, वो काम मुझे ख़त्म करना है। मम्मी को हेल्प करनी है, आज थोड़ा वो वीक फील कर रही है। मैंने आपको पहले ही बोला आज उसका फास्ट वाला डे होता है, मैं इसको समझा के थक गया हूँ। समझती नहीं है तो क्या करें, मैं हेल्प ही कर सकता हूँ, ज़्यादा इससे ऊपर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। और मम्मी को एक चीज़ के ऊपर हम लोग कुछ बता नहीं सकते, मम्मी के पास उसका एक्सप्लेनेशन होगा। और स्पेशली भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है उसके लिए मम्मी लोग के पास बहुत एक्सप्लेनेशन होता है। तो बस गाइस आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर व्लॉग आपने यहाँ तक देखा है तो व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर।